शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैं साथ होऊंगा तुम्हारे, पर हम अपनी बच्ची को ढूंढ कर लेकर आएंगे। इस औरत को तुम मैं रुको, ना सोचा ना समझा, बस चल दे। अभय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, वो औरत नहीं दहशत है, उससे पुलिस और गुंडे सब डरते। गुलाबो को ऐसा लगता है कि सिया उसके लिए लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है, वो उसके लिए एक इक्का है। सिया की वजह से उसके सारे काम बन रहे हैं। तो इतनी आसानी से हमारे बच्चे को जाने नहीं देगी तो क्या करे? उस औरत के गुणगान गाते रहे। मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए। उसको भी तो सबके कठोर व्यवहार की आदत होगी, तो जो मामला लड़ झगड़ के सुलझ नहीं पाया, क्या पता प्यार से बात करने से बन जाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चाची, ये लीजिए आपकी अमानत। हाँ, ये हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। जो भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। और अब उस गुलाबों से बात करते हैं। नहीं वरुण जी, आप मत जाइए, मैं ही जाती हूँ वहां पर। और किसने? अभी आप सब लोग ही कह रहे हैं कि वो औरत बहुत खतरनाक है, और अकेले जाने की बात कर रही हो तुम होश में भी हो क्या? क्योंकि अभय, मैंने ही उसे कहा था कि मैं उसके पास से अपनी बच्ची वापस लेकर आऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी वहां पर। श्रद्धा, हम भी आएंगे आपके साथ, और हमसे तो वहां किसी को खतरा भी नहीं होगा। अरे, अपनी पोती के लिए ये दादी भी मैदान में उतरेगी। महिलाओं को आगे बढ़ाने का अनुभव हमें सबसे ज्यादा है, तो हम तो सबसे पहले तैयार है आने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। यहाँ हम कियारा और देना हमें दे दो, हम सानवी को अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ कीर्ति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम सब मिलकर बात कर लेंगे। वैसे भी क्या पता तुम्हें देखकर कहीं उसका मूड ना खराब हो जाए। तो तुम घर पर ही रहो, हम सब जाएंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया? वो औरत खतरनाक, उसके आगे पीछे हमेशा गुंडे घूमते रहते हैं। हाँ श्रद्धा, अबे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे, उस औरत के गुंडे तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आ गए थे। वरुण जी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम एक साथ एकजुट हैं, किसी की क्या मजाल कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। हाँ श्रद्धा, मुझे भी लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। ये सब लोग जाएंगे तो उसे लगेगा कि इनसे कोई खतरा नहीं है, तो शायद प्यार से ही मान जाए। हम सब मिलके सिया को इस घर में वापस लेके आएंगे। ठीक है, के यहाँ जो माल का पैसा अटका था उसने 15% ब्याज के साथ जोड़ के दे दिया। 2 दिन में 50 लाख निकलवाए हैं। ए बुरैया, ये तो बस शुरुआत ही है। माँ भवानी हमारी किस्मत पे अब पैसों की बरसात कराएंगी, देखती जाओ। अंदर कैसे आ गए? कौन हो तुम लोग? इस हवेली में बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए तुम सब? सीधी तरह वापस चली जाओ, वरना थक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा हवेली से। देखिए, हमें अंदर जाने दीजिए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। हम सिर्फ इज्जत से बात ही करने आए हैं, हमें जाने दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है। ए!
जिस तरह से तुम हमारे सामने सीना ठोक के अपनी बच्ची को वापस लेने निकली थी, हम तो सोचे थे कि तुम फौज वौज बुलाने वाली हो, पर तुम तो इन बुढ़ियों की बारात लेकर आ गई। गुलाबो जी, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे मेरी बच्ची वापस लौटा दीजिए। हम यहाँ अपनी बच्चे की भीख मांगते हैं आपसे। अरे तुम तो हमारा मजा ही खराब कर दी। हमें लगा हमें थोड़ा टक्कर दोगी। जिस तरह से हमें थाने के बाहर तुम चुनौती दे गई थी, यहाँ आके क्या हुआ, खुश हो गई? देखिए गुलाबो जी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को बहुत मिन्नतों के बाद एक बच्चे का वरदान मिला है और हम उसी की भीख आपसे मांग रहे हैं। हमारा पूरा परिवार अंदर ही अंदर टूट रहा है। प्लीज हमें हमारी बच्ची वापस कर दीजिए। अपनी बच्ची की बोली लगा रही है हमारे सामने। जैसों की औकात नहीं है हमारे सामने। छोड़ो, अरे मर जाएगी हमारी तनुजा भाभी। हमसे सौदा करोगी? तुम्हारी बच्ची हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है, वो तो इस जगह से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। आप किसी बच्ची को अपने पास ऐसे हथिया नहीं सकती हैं। सरासर एक जुर्म है ये। हम गुलाबो हैं। यहाँ का कानून हम हमारी जेब में लेके चलते हैं। इस देश के कानून को इतना भी मत ललकारी कि एक दिन वो आप पर ही भारी पड़ जाए। ए लड़की, ये तो हम ठहरे जो तुम्हारी हिम्मत को तुम्हारी बेवकूफी समझकर छोड़ रहे हैं। वरना माँ भवानी की सौगंध, तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने यही गोली मार देते। खैर, ये तो हम हमारा मन शांत रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें सोना है। तो चलो फुटो यहाँ से। अबे ओए, ये तुम्हारे आदमी का कमरा नहीं है जो घुसे चली जा रही हो। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, वो मुझे पुकार रही है। तुम्हारी किस्मत में अब तुम्हारी बच्ची की शक्ल देखना भी नहीं लिखा है। बहुत वक्त बर्बाद कर दी हमारा। तुम अभी के अभी पतली गली से फुटो यहाँ से। मैं अपनी बच्ची को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो भुगतो, हमारा कुछ ना जाएगा। लेकिन फिर हमें मत बोलना कि हम बोले नहीं कि तुम्हारी इस टोली के साथ क्या होगा। अरे चुरैया भुरैया, देख लो इन्हें। इन्हें कुछ भी करने की कोशिश।
कोशिश मत करना। चलो आज हम तुम सबको बताएंगे कि हमारे मैडम जी से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अभी बताते हैं तुम सबको। गुलाबो, आज तूने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी, अपनी बच्ची को वापस ले जाने में आऊंगी। अरे हमें लगा था कि महिलाओं की बात सुनकर वो मान जाएंगी, लेकिन ये तो अलग ही खलनाई का निकली, कानून का भी डर नहीं है इसको। तो फिर ताई जी, सबसे पहले इसे कानून की भाषा ही सिखाते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, मैं अभय को फोन करती हूँ कि सीधा मुझे वकील साहब के पास ही मिले। चलिए तनुजा, चलिए। सर, सर, हम कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें इग्नोर करे जा रहे हैं। अग्रवाल साहब, भाई नाकों से देख नहीं पाते हैं, और मिश्रा जी ने भी वकालत से रिटायरमेंट ले लिया, और अहमद मियां अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर हम आपसे क्या बात कर रहे हैं और आप हमें क्या जवाब दे रहे हैं? हम आप ही के बात का जवाब दे रहे हैं। अगर हमने ये केस ले लिया तो गुलाबो मैडम जब कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें भी अपने बीवी बच्चों को देखना होगा ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपके डर से मैं अपनी बच्ची को भूल जाऊं? अरे आप लोग कानून के लिए काम करते हैं, आप ही लोग गुंडी से डर जाएंगे तो हम जैसे लोग कहां जाएंगे? अब है क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। शुदा पर ये मैंने कहा ना अभय, चलिए यहाँ से, चलिए अभय, चलिए। देखिए अभय, किसी भी वकील से बात करने का कोई फायदा नहीं, सब डरते हैं उस गुलाबों से। मैं किसी से नहीं डरता, और खास तौर पे तब जब बात मेरी सिया की हो। मैं जा रहा हूँ अभी उसे लेकर आऊंगा। शांत हो जाइए अभय, इस वक्त हमारी कोई भी गलती हमारी सिया को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देगी, इसीलिए हमें कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। इसीलिए क्या श्रद्धा, हम सिर्फ अपना मन बहला रहे हैं, पर अब तो मेरा दिमाग भी चलना बंद हो गया है। तो फिर अब एक ही तरीका है, जिसके सामने उसकी कोई दहशत नहीं चलेगी। तुम क्या सोच रही हो श्रद्धा? कल सुबह सबको एक साथ सुनाएंगे। ए चुड़ैया, बच्ची तैयार है कि नहीं? हाँ मैडम जी, बच्ची रेडी है। मैडम जी, ये एक बार सुन तो लीजिए। कितनी बार कहा है, जब मैं काम के सिलसिले में बाहर निकलूं तो पीछे से मत टोका कर, और ई का रेडियो का डिब्बा हमारे मुंह पे मारने लाई है। आप सुनेंगी तो समझ जाएंगी मैडम जी। अच्छा चला। आज ताना बाना में कोई ताना नहीं मारेगी, बल्कि हमारे देश के एक ऐसे बेटे और बहू की समस्या बताएंगे जिन्हें हम सब की जरूरत है। उनका नाम है अभय त्रिपाठी और श्रद्धा त्रिपाठी। तो बताइए अभय और श्रद्धा अपनी कहानी। अरे इस भूपू का आवाज तेज करो। मैं और मेरी पत्नी अपनी बच्ची की खोज में कई हफ्तों से भटक रहे थे। हमें पता चला कि जिसके पास वो बच्ची बेच दी गई है, उसके खिलाफ कानून भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। उसकी दहशत से पुलिस वकील सब डर गए हैं।
क्या नाम है उनका जिन्होंने ये कानूनी जुर्म किया है? गुलाबो नाम है उसका। मुझे विश्वास है कि वो हमारे सामने हर दरवाजा नहीं बंद कर सकती, इसीलिए ये माँ पूरे शहर के सामने हाथ जोड़ती है। मेरी बच्ची, मेरी सिया को उसे वापस लाने में मेरी मदद कीजिए। ए, बंद कर इसको। मैडम जी, इन सब ने पूरे शहर को आवाज दे दिया। हम तो कहते हैं कि कुछ दिन के लिए आप बाहर ही ना निकलिए। हमारे अपने घर में हमें कैद करवाएंगे टुच्चे लोग। हमारे सारे आदमियों को बुलाओ, अब हम इन्हें इनकी औकात बताएंगे। अभी तो सिर्फ समझा रहे हैं कि अपने बेटा, अपनी बहू और अपने झुंड को ये बात समझा देना कि वो बच्ची को भूल जाए। और वो बच्ची हमारे मैडम जी की है और हमारे रहते हुए उसे कोई नहीं ले जा सकता। मैं तुम लोगों की धमकियों से नहीं डरता, समझे? जी, अभी तो बस समझा रहे हैं, बाद में इस तरह से बात नहीं होगी, सीधा तेरा अंत होगा। बोली ना, मैडम जी के सामने ज्यादा बोल मत, शांति से खड़ी रहे। बात करने का ये तरीका है? और आपकी तारीफ? वो तो तुम्हारे जीजी जीजा ने पूरे कानपुर में पहले से ही कर दी। तुम हमें समझदार लगती हो तो अपनी थोड़ी अकल उनको भी जाकर दे दो और उनको कहो कि अपनी हद में रहे और अपनी बेटी को भूल जाए। बोरा गई हो का, जो अंधों की तरह चीख रही हो? हमें ना अपनी दीदू पे गुस्सा आ रहा है। आपकी दुश्मनी तो हमसे नहीं है ना, दीदू से है ना, तो आप सीधे उन्हें क्यों नहीं बोलती? हमें क्यों बोल रही है? वैसे भी दीदू हमारा सुनती कहाँ है? आप हमें जाने दो ना प्लीज। ए बुरैया, इसके मुंह पे कपड़ा ठूसना था ना, अगर ये इतना चपड़ चपड़ करती है तो। नहीं 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 नहीं, कपड़े नहीं, हमारी छोटी सी बेटी वो रो रही होगी हमारे बिना। वैसे भी आपकी दुश्मनी तो दीदू से है ना, हमसे थोड़ी है। हम दीदू को बता देंगे कि आपने धमकी दी है, वो भी तो उनको बताना पड़ेगा ना। हमें जाने दो प्लीज, हमसे क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मन नहीं बनाना है तो हम जैसा बोले वैसा ही करो, वरना तुम और तुम्हारी बेटी। नहीं नहीं, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे। श्रद्धा, तुम्हारी बेटी के लिए इतने फोन आए रेडियो पर कि हमारे तो तोते ही उड़ गए। तुम्हें पता है, नौजवान लड़का हो या लड़की, सब थाने पहुंच कर कहने लगे कि पकड़ो उस औरत को, सिया जल्दी वापस हमें मिल जाएगी। बुआ जी, ये सब कुछ तो आपकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है। आपकी वजह से हम इतने बुरे फंसे, हम आपको क्या बताएं? क्या हो गया कीर्ति? कीर्ति बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है? हम मेहरबानी है इनकी कि वो लोग हमें उठा कर ले गए थे। तो किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वापस आए, आज वो हमें लेकर गए दीदू, कल को कहीं कियारा को लेकर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कीर्ति, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत। आप अंतर्यामी हैं? उन्होंने धमकी दी और बोला है आपको बता देने के लिए कि सिया को ढूंढना बंद करें, वरना वरना तो...
पापा, हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? और आपके गले में? पापा, हे भगवान, गुलाबों के गुंडों ने धमकाया। देख रही हैं आप दीदू? सबकी जान खतरे में डाल रही हैं आप, सबकी। कीर्ति चुप करो, ये परिवार। अरे आप जाने और आपका परिवार जाने, हमें तो बस अपनी क्यारा की चिंता है। हमने कीर्ति सुनो, तुम ठीक ही तो कह रही है कीर्ति। हमने गुलाबों को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, मगर उस पे कोई असर नहीं हो रहा, उल्टा वो हम पर ही वार पे वार किए जा रही है। इस गुलाबों को तो मैं देखूंगा, अभी जाकर अपनी बच्ची को वापस लेकर आऊंगा। नहीं अभय, बहुत डरा लिया है उस औरत ने हमें, मगर अब ये बाजी हम अपने हिसाब से खेलेंगे और उसे हराएंगे भी। अब उसे हम अपने घर के किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्ची को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है उसे उसी की भाषा में जवाब देने का, उसे सबक सिखाने का। श्रद्धा, तुम क्या सोच रही हो? बहुत घमंड है ना उस गुलाबों को अपनी ताकत पे, तो अब उसका ये घमंड टूटेगा। हमारे परिवार के प्यार से, हमारे परिवार की ताकत से। त्रिपाठी परिवार की ताकत से। अबे तू गाड़ी में जाके बैठ, इन दोनों को मैं देखता। ओ बाजी, कोयला नगर का रास्ता कितो जानता सी? कोई बात नहीं, चलो मदद करते हैं जी, आप आ जाओ। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।